नमस्कार प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले तो ये बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके चाहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वरदान है, समझ लीजिए। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सुपर टेट की तैयारी मुझे आगे करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, धैर्य क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बहुत ही एक तरह से क्लोज होकर बात करूंगा आप सभी से, ठीक है ना। जो अनुभव है वो अपना मैं शेयर करूंगा आप सभी को, जो सामने मैं देखता हूं, बहुत सारे भाइयों को देखा हूं, बहुत सारे भाई बहन को मैं अपने देखा हूं कि जो जूझते हैं ना किस प्रकार से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सामने जो चीज़ें हमारे एक तरह से दृश्य थी, उस दृश्य के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और वह चीज़ें मंजर जो सामने आता है ना, तब समझ में आता है हाँ मुझे सच में कुछ करना चाहिए अपने लाइफ में। और वह चीज़ें बड़ा तब मन में, मतलब अभी तो सब कुछ मिल रहा है घर पे ना, तो नहीं पता चलता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप हैं, कर रहे हैं ना चीज़ें। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो UPSC का भी रिजल्ट आया उसके उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैक्सिमम यानी कि अगर मैं 500 ऊपर से 500 रैंक की बात करूँ ना, 500 रैंक की, तो उसमें से करीब करीब 250-300 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल परिस्थिति उनकी नाजुक थी, उस परिस्थिति से गुजर कर वो किस प्रकार से अपने एग्जाम को क्रैक किए हैं। तो ये धैर्य जो है ना बहुत बड़ा मायने रखता है जीवन में। उस सारी चीज़ों पहलुओं पे हम बात करने वाले हैं। पहले एक बार आपको दिखा देते हैं, कोई एक सब्जेक्ट क्या छोड़कर मैं सुपर टेट निकाल सकता हूँ, इस मुद्दे पे बात करेंगे। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक छोटा सा, आप कोई सा भी वीडियो देखते हो, मूवी देखते हो, गाना देखते हो ना, उसने कितना लंबा समय हो, आप उसे इंटरेस्टिंग के साथ देखते हो, जो कि आपके लाइफ में कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है ना, कोई उसका एग्जिस्टेंस है, तब भी आप उसे अंत तक देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि आपके लाइफ में फिर भी एक्सीडेंट मतलब नहीं है ना, ही आपके एग्जिस्ट करता है आपके लाइफ में कहीं भी, फिर भी आप उसे देखते हैं। तो थोड़ा सा बस हमारे साथ मात्र 10 से 12 मिनट रह लीजिए, आपको सच में पता चल जाएगा कि लाइफ में जो रियल स्टेप्स हैं मुझे किस प्रकार से लेने हैं, सच में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है सुपर टेट का। हर एक पहलू पर बात करेंगे, जो आपके डाउट हैं सब क्लियर होगा आज, है ना। यह स्टेट के लिए किसका बैच लें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोचिंग करें या ना करें इसके लाभ और हानि के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा, क्या सेल्फ स्टडी से सटीक मार्गदर्शन से हमें लाभ मिल सकता है, हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। मैथ रीजनिंग सर बहुत वीक है, सर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए तो घबराइए मत, दो चार मतलब अब आने वाले 10 दिन के अंदर ये चीज़ें मैं ख़त्म करके आपके मैथ रीजनिंग के ऊपर बहुत जोर शोर से काम करूँगा। 40 नंबर आपका इसी जगह से आएगा सुपर टेट में भी, और आपका 40 से 45 नंबर है ना, और सुपर टेट में भी, और प्लस आपका DSSB में भी, दोनों में मैं बात कर रहा हूँ, और साथ में GK GS भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा मतलब कि एक तरह से पावरफुल है, अपने आप में विश्वसनीय है, वो चीज़ें आपको आज पता चलेगा। ये स्टेट इन 3 मंथ, क्या 3 मंथ में स्टेट सुपर टेट क्लियर किया जा सकता है? क्लियर तो 2 मंथ में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे कई साल का मेहनत होता है। अब 2017 बैच का बच्चा अगर आज आके बोले कि सर मैं सुपर टेट क्लियर कर दिया, तो मैं तो यही कहूँगा ना भाई, 2017 से आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे थे, तब तो आप 2-3 महीने नोटिफिकेशन के पहले लगकर आपने तैयारी किया, तब निकाल दिए आप, ठीक है ना। पिछली बार तो 22 दिन का समय भी पर्याप्त नहीं हुआ था बच्चों के पास, उतना 22 दिन में बच्चे सिमट गए थे, बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से भर्ती आ जाएगी, ना करते करते भर्ती आ गई, ठीक है ना। क्योंकि उस समय क्या होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है ना सामने, और आज भी हमारे सामने राजनीतिक मुद्दा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना चीज़ें, जब हाथ से निकल जाएंगी समय तब समझ में आएगा ये चीज़ें। फिलहाल में बहुत सारे आ जाएंगे अभी हमारे मतलब कि हमारे दर्शक बहुत सारे आ जाएंगे यह कहने कि हाँ आप बहुत बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं फला ढका, तो उन सब से हमसे कुछ लेना देना नहीं है, सामने सामनी बात होगी तो कभी कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से बात नहीं, कमेंट किए गए अपना काम किए। PYQ कितना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मैं फिर से सिलेबस एक एक करके बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और PYQ का एनालिसिस किस प्रकार से करना चाहिए, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने। सिलेबस का टॉपिक वाइज किस प्रकार से हमें देखना है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जड़ के बारे में पता ही ना हो, पत्ती पे चढ़ जाओ फिर पता करोगे भाई कौन से पेड़ पे चढ़े हैं, क्या करने चढ़े हैं, क्यों चढ़े हैं, तो यह चीज़ें तब तो भाई निरर्थक हुआ ना। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, यह चीज़ें हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में जो करने जा रहे हैं अगर आपको पता है, आपके परिवार को उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा है, आपका लाइफ बन रहा है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस आपको समाज में दिलाएगा, तो यानी कि आप उसे करिए और वह चीज़ें आपको सफलता दिला के ही रहेगी। चलिए एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं क्या? देखिए आज का जो कंपटीशन लेवल है,
है ना, उसमें एक भी सब्जेक्ट अगर छोड़कर आप चलने लगे तो समझ लीजिए कि आपका जो, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो 30 नंबर का लगभग, 20 नंबर का, 10 नंबर का लगभग है। मान लीजिए 10 नंबर का है अगर एक सब्जेक्ट, हिंदी 20 नंबर का है, संस्कृत 10 नंबर का है, मैथ 20 नंबर का है, रीजनिंग 5 नंबर 6 नंबर का है, जीके जीएस 30 लगभग 30-40 नंबर का है, सब मिला लें तो जीके जीएस करंट अफेयर। तो जीके जीएस अगर आप छोड़ के चलना चाहते हैं, एक भाई ने कहा सर मैं मैथ बिल्कुल कमज़ोर है मेरा, मैथ रीजनिंग, तो क्या मैं छोड़ के चल सकता हूँ? देखिए 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर में अगर आप मैथ रीजनिंग छोड़ के चलते हैं तो 125 नंबर का आपके लिए पेपर हो जाएगा। सभी बच्चों का, अदर जो बच्चे होंगे उनका जो एग्ज़ाम में जो पेपर चेक होगा ना, उनका कॉपियाँ जो चेक होंगी वो 150 नंबर में से नंबर दिया जाएगा, और आप में, आप तो पहले ही उनसे 25 नंबर कम हो गए। बात की बात ही छोड़ो, कितने तो बच्चे 126-127 लाएंगे, और आपका जो एक तरह से वह कॉपी चेक हो रही है वह 125 आउट ऑफ आप जितना पाओगे वह चीज़ें होगा। तो सोच सकते हैं आप तो पहले ही पीछे हो गए उनसे, तो उनसे पहले तो नौकरी पा ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी छोड़कर नहीं चलना हमें, और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। जो कह रहे हैं नहीं आएगा छोड़ो जाने दो, दूसरी चीज़ अब हमें तो कहते ही नहीं है कि आप इसकी तैयारी करोगे तो अदर एग्जाम तैयार ही नहीं होगा आपका। आर ओ की हिंदी तैयार हो जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का आपका हिंदी तैयार हो जाएगा, आने वाला लेखपाल की आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी, जीके जीएस तैयार हो जाएगा, मैथ तैयार हो जाएगा। अब क्या रखा है बता दो मेरे भाई, कुछ कुछ नहीं, बस आपको एक तरह से भ्रमित किया जाता है और आप भ्रमित हो ही जाते हैं। नेक्स्ट, सुपर टेट के लिए किसका बैच लें? देखिए सुपर टेट के लिए किसका बैच लें और कोचिंग करें या नहीं करें, इन दोनों को एक साथ मैं लेता हूँ। देखिए सुपर टेट के लिए बैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी नहीं रखता है, ना ही बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने खुद खास रिलेटिव को, जो मेरे कलीग, मेरे मतलब समझ लो कि दिलो जान है, है ना, उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, इस तरह से सीनियर सीज के लिए समझ लीजिए कि भाई कोई भी हो सकता है, बहन भाई है ना, बहन मतलब बहन और भाई कोई भी हो सकता है ऐसा, तो मतलब समझ सकते हैं कि भाई और कोई भी चीज़ें अगर सामने अगर हम देते हैं उनको, मान लीजिए हम कहते हैं भाई इस बैच को ले लो, उनसे उन्होंने मुझसे कहा कौन सा बैच लूँ, तो हमने उनको बताया कि भाई इस बैच को परचेज करिए, वह बैच वो ले लिए, ठीक है। लेने के बाद वो जब पढ़ने लगे उससे, मैं सच बता रहा हूँ, ये आँखों देखी बातें हैं, और जब वो उससे पढ़ने लगे ना तो पता चल रहा है उनको कि जो चीज़ें यूट्यूब पर आ रही है ना, मतलब सबके लिए, और वही चीज़ें प्राइवेट भी आ रही हैं एप्लीकेशन पे, बच्चा परेशान। तो मतलब बैच लेने का क्या ही फ़ायदा है, जो बच्चे बैच ले लिए अब तो गुमराह हो रहे हैं ना चीज़ें, हम यूपी टेट की बात कर रहे थे। तो चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी ना, आप उसको उसमें उलझने के बाद आपको समझ में आएगा, उससे हारने के बाद, उससे लड़ने के बाद, उसको करने के बाद आपको समझ में आएगा चीज़ें कि हाँ मुझे यह चीज़ तो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इसमें रोल देना चाहिए था। हाँ जैसे कि मान लीजिए आप टॉपिक लिख लिए सिलेबस का, जैसे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक वाइज सिलेबस अपने नोट्स बना लीजिए उसका, एक एक सिलेबस को, जितने भी आपके सिलेबस मतलब चैप्टर टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ है, बहुत सारे चैप्टर हैं ना, सब कुछ टॉपिक्स हैं, उस सारे सब्जेक्ट को देख लो, मैथ है, रीजनिंग है, CDP है, शिक्षण विधियाँ हैं, कौशल हैं, तो इन सबको देखने के बाद हमें को उसके अंदर देखना कितने कितने टॉपिक हैं, उसको लिख लो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई एक दिन आपका बर्बाद होगा ना, कर दो बर्बाद एक दिन इसके पीछे, कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, उसको सामने जिस टेबल पे पढ़ते हो उस पे चिपका लो। चिपकाने के बाद मेरे भाई सबसे पहले उसको ख़त्म करो ना, जो सबसे कम है, और इस तरह ख़त्म करो ना, जब ख़त्म हो जाए ना वो लगभग 2-3 महीने 2 महीने में आप ख़त्म कर दोगे, एक एक टॉपिक को अगर पढ़ना शुरू करिए, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन करके ना ऐसे, तो 1 महीने में आप ख़त्म कर दोगे, 2 महीने में 1.5 महीने में ख़त्म कर दोगे आप खुद से पढ़ना अगर चाहो तो। जो टॉपिक्स नहीं आता है उसको सर्च करो, सोशल मीडिया पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, देखो ना मिले तो फिर कहना, बुक मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बुक के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, तो उसको आप बस ले लेना, बस उसके बाद ना तमन्नाएँ आपकी पूरी होंगी महोदया, बस अपने पर विश्वास करते रहना। दूसरा कोई ले रहा है भाई अब इस, यह बैच बहुत अच्छा है, रुद्र बैच है, रुद्राक्ष बैच है, मतलब क्या ही इस सब का है, कोचिंग वाले तो बेचारे सब ऐसे ही परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं 2019 से भर्ती आने वाली है, जल्दी आ जाओ, कुछ सीट ही बची हुई हैं, 10 सीटें बची हुई हैं, 40 सीटें बची हुई हैं, जल्दी ले लो नहीं तो फुल हो जाएगा, फुल हो जाता है उनका। और जो बच्चे फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, जाते हैं मुँह उठा के चले जाते हैं एक टॉपिक पढ़ के, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं कोचिंग में, इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग वाले के, तो कोचिंग तो हमें करना ही नहीं है ऑफलाइन, इतना दिमाग में रख लेना, और ज़्यादातर बचिएगा ऑफलाइन कोर्स भी लेने से। जो बच्चे बहुत वीक हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ पावर है कि मैं पढ़ सकता हूँ खुद से, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी मत लीजिए, आप अपने से बुक को प्रेफर करिए, सिलेबस देखिए, उसको रिगार्डिंग पढ़ना शुरू करिए। कोचिंग में क्या होता है, जैसे आप गए, अब एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं टीचर, एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं, अब उस टॉपिक को मान लीजिए वो टॉपिक आपको आज आ रहा है,
आज वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जो आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा सर इसके बारे में बताओ। अब लगे सर उसके बारे में बताने, आपका जाना उस दिन नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना नुकसान। अगर दूर से आ रहे हो तो गाड़ी के पैसे गए, तेल के पैसे गए, समय बर्बाद हुआ, राजनीतिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पता चला अभी पेपर तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है, तो पता चला जो सब्जेक्ट हमारे सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके जगह आ गए मैथ वाले टीचर, है ना। तो इस तरह से लापरवाही होने लगती है, आपके पैसे धीरे 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 एक साल होगा नुकसान, फिर से बैच आ गया ना। चलो भाई आ जाओ एप्पल बैच पे चलते हैं, है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वह चीज़ें आपको समझना है कि हमें किस प्रकार से फंसाया जाता है, क्योंकि यह भयावह जो दरिया है ना पूरा का पूरा एजुकेशन का, इसमें हर कोई फंसना चाहता है, हर कोई डूब कर मजे लेना चाहता है, और आपको डुबाने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि आज पैसे कमाने वाले की कमी नहीं है इस एजुकेशन से, इतना समझ लेना। करोड़ों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं ओपनली, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना एक भाई समझ के। चलो आ जाओ, यह चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट का किसका बैच लें और कोचिंग के क्या लाभ हानि है, समझ में आ गया होगा। तो कोचिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, बैच लेना होगा तो लास्ट में आप ले सकते हैं किसी का, एक का भी जो आपको अच्छा लगे। मैं किसी एक तरह से किसी एक का नहीं बता सकता। अब देखिए, क्या सेल्फ स्टडी सटीक मार्गदर्शन में लाभदायक होगा? बिल्कुल 100% श्योर है। अगर आपके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको सच में सजेस्ट करता है, आपके लिए काम करता है, आपको प्रेशर करता है, पढ़ ले बच्चों पढ़ ले, है ना, यह पढ़ ले वो पढ़ ले, और आप गुस्सा होते हो दिन भर उसको पीटते पाटते हो, मतलब क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हो, यह सारी चीज़ें करते हो ना, तो समझ लेना वही आपके लिए तो असली वरदान है आपके जीवन में। आप उसको डांट डपट देते हो फिर भी आपकी लाइफ से वो नहीं जाता है, क्योंकि वो आपको पढ़ाना चाहता है भाई, आपको एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो यानी कि सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करना है यह आप खुद अपने से डिसाइड करोगे सिलेबस लिखने के बाद। आप बुक कैसे ऑर्डर करोगे, बुक कौन कौन सा लोगे, यह मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जरूर से जरूर देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कौन से आप बुक लोगे हर एक सब्जेक्ट का, बुक कितना इंपॉर्टेंस है और हमें प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बुक देख, सेल्फ स्टडी में बस एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अपना सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं ना अपने से, तो दो चीज़ आप अपने दिमाग में रखना। एक तो किसी को बताना मत कि किस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं सबको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन आप करना ना, आप अपने सिलेक्शन के लिए करना, तो किसी को मत बताना भाई। इसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ एक तरह से मतलब वह बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक तरह से गुरूर में हैं, यह समझ लो, है ना, गुरूर तो नहीं इसके लिए वर्ड सही लग रहा है, लेकिन हाँ अपने को आप यह जताओगे कि हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं पढ़ूंगा मैं किसी को क्यों बताऊँ, ये इस तरह से थोड़ा सा आप अपने आप को ना उस लेवल पे ले जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, यह सारी चीज़ें आप करना। अपने फ्रेंड्स ज़्यादातर मत बताओ किसी को, अपना डिस्क्लोज करो मत अपनी आइडियाज़ जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, फिर मज़ा आएगा इस चीज़ का, सच बताओ, नहीं तो बता दोगे तो मज़ा ही नहीं रहेगा। वह रोज़ फ़ोन करेगा बताओ इस किस कितना पढ़ लिए, कितना नहीं पढ़ लिए, क्या कर लिए क्या नहीं कर लिए, बताइए होता है भाई लाइफ में। सबसे ज़्यादा दोस्तों से लोग परेशान हो जाते हैं उस कंडीशन में, मतलब दोस्त बनाओ, दोस्त यार सब कुछ बनाओ, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा सा मतलब अपने आप को सेल्फिश बना लो, ये समझ लो कि मैं नहीं बताऊंगा भाई मैं क्या पढ़ा, बताऊंगा तो गलत बताऊंगा, क्या मैंने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सोया हूँ दिन भर आज पढ़ा ही नहीं, मम्मी की तबीयत खराब थी, पापा की तबीयत खराब था, इस तरह की नौटंकी आपको आना चाहिए। पेपर देकर आए, पेपर कैसा गया है? ठीक ही गया है भाई, ठीक ही गया है, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, मेरा तो दिमाग नहीं कह रहा कि निकल जाएगा, इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है। इस प्रकार की सोच आपको रखनी है। बस थोड़े मिनट और हमारे साथ रहिए। अब इसके लाभ बहुत हैं, लाभ बहुत हैं, बस धैर्य रखकर पढ़ाई करना। लाभ इतना ज़्यादा है ना आप सोच भी नहीं सकते। और अपने जो टॉपिक आपका सबसे कमज़ोर है ना उसका नोट्स जरूर बनाना मेरे भाई, देखना आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप लगभग 4-5 महीने अपने आप को माज दिए, रगड़ दिए इस सेल्फ स्टडी में, तो कोई माई का लाल नहीं आपको हरा सकता है। लेकिन रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, रेगुलरिटी रियली बता रहा हूँ मैं, अपने सिर्फ और सिर्फ एक साल की स्टडी के समय बता रहा हूँ। मेरे पास ना मोबाइल था भाई, वो जियो का इस लॉन्च हुआ था मोबाइल 2019 में, उसी समय कोरोना भी लगा था, तो 2019 से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एक साल में इतनी रगड़ कर मेहनत किया भाई ना, बता रहा हूँ शरीर आधा हो गया था, शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। घर पे आए, दादी एकदम कूटने पे पड़ गई पीछे, इसको जाने नहीं देना है अब बनारस, इसको जाने नहीं देना है, घर में ही रहकर पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से स्टडी करो ना, मतलब सेहत भी ध्यान देना, हमारी तरह नहीं हो जाना है सेहत। अब ऐसा नहीं गए खा पी के एक चैप्टर पढ़े चलो भाई लाओ रोटी दस्तों खाते हैं, इस तरह से नहीं करना है चीज़ें, समझ रहे ना। तो सब कुछ लेवल में, यानी कि पढ़ाई वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते वक्त बच्चे ध्यान नहीं दे पाते सेहत पे। तो एक साल इतना जम के स्टडी किया था भाई, मोबाइल से नाता ख़त्म,
उसमें यूट्यूब पे नहीं था, यूट्यूब तो 2021 से मैं स्टार्ट किया हूँ ना। अब देखिए मैथ और रीजनिंग का क्लास मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों, आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, और धैर्य इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस मैथ रीजनिंग को मैं जब स्टार्ट करूँगा इसमें से एक एक चीज़ आपको यहीं से छपने वाले हैं। हर एक टॉपिक मैं सुपर टेट यूपी टेट दोनों कवर करूँगा, प्लस DSSB का कवर करूँगा, रीजनिंग भी मैथ भी। रीजनिंग मैथ DSSB में 40 नंबर और सुपर टेट में 30 नंबर, और अगर देखा जाए यूपी टेट में भी 30 नंबर केवल मैथ रहेगा। धैर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इंतजार, सही वक्त का इंतजार। कछुआ और खरगोश कहानी आपने सुना होगा, तो कछुआ नहीं बन जाना है बिल्कुल भी, लेकिन खरगोश की तरह भी नहीं दौड़ना है। दौड़ते रहो, ठोकर लगा, थक गए भाई, आराम कर लो। देखिए कछुआ कहाँ पहुँचा है अभी, अरे अभी तो हो दे है भैया, हाथ दे है, मतलब बहुत दूर है। चलो भाई अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, आने दो ससुर को, फिर साथ में चलते हैं। तब तक पता चला वो अपना मंजिल तय कर लिया और आप सोते रह गए। तो इस तरह की भी चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, कछुओं की तरह भी नहीं धीमे चलना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलनी है। अपने 5 घंटे 6 घंटे का रूटीन आपको बनाना ही बनाना है, अगर चाहते हो सुपर टेट की तैयारी करें। अगर 3 महीने में आपको लगता है मैं तैयारी हो कर लूँगा ना, तो यह तो भाई गंदी चीज़ है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, 3 महीने में तैयारी कर लेंगे क्या सर? यह तो गलत चीज़ है भाई, है ना, गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको पहले से लगना होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ यह नहीं सोचना है दूसरा कोई 3 घंटे में कैसे, मतलब 3 महीने में कैसे तैयारी कर लिया भाई, नहीं। उसके पीछे भले वो 3 महीने बताता है, देखिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं ना वो झूठ बोलते हैं, इतना समझ लेना भाई, झूठ निश्चित बोलते हैं। आलस से कौन नहीं करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो लगातार 5 घंटे 6 घंटे, लगातार 6 घंटा कैसे बैठ लेगा भाई? बैठ लेता भी होगा तो उसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि हर सिलेक्शन लेने वाला 6 घंटे बैठकर तैयारी करता होगा लगातार। हाँ, रूटीन 2 घंटे 1.5 घंटे का टहलता होगा, पढ़ता होगा, कुछ काम करता होगा, फिर आकर फिर बैठता होगा, इस तरह से चीज़ें होती होंगी, लेकिन 6 घंटे लगातार मैं नहीं विश्वास कर सकता भाई। हाँ, कुछ होते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह में बैठते हैं, तो उनके लिए बस वही लाइब्रेरी ही दिन भर बीत जाता है, तो उनके लिए छोड़ो, घर पर रह के मैं बात कर रहा हूँ, रूम पर रह के मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना थोड़ा सा। और आ जाते हैं अभी नहीं आ रही एक तरह से कंपटीशन लेवल क्या होगा। देखिए अभी नहीं आ रही भर्ती, बहुत लोग के दिमाग में यह है कैसे तैयारी करूं, अभी तो नहीं आ रही भाई, यही चीज़ तो आपको डुबाएगा। सही समय आने दीजिए, तब आपको लगेगा अरे मुझे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, इतनी जल्दी कैसे एग्जाम करा लिए। तो यह चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, तो ये चीज़ें सब फैक्ट हैं। अब कंपटीशन का लेवल भाई, कंपटीशन का लेवल इतना तगड़ा रहने वाला है ना, मान लीजिए अगर 32 आज तो 30 है, अगर आज आ जाता है ना सुपर टेट इस साल, अगर आ जाता है तो 30 बच्चे एक सीट पर रहेंगे, उस 30 में से 6 का कट्टर मुकाबला, मतलब टक्कर एकदम बहुत बिजोड़ होगा, कट्टर का मुकाबला होगा, कांटे का बिल्कुल जिसे कहते हैं, मतलब पॉइंट का खेला होगा, 0.1 से लेके 0.8 के बीच में कम से कम तो 1 लाख बच्चे होंगे ही होंगे। सच बता रहा हूँ, पिछली बार एक एक नंबर से रुकने वाले बच्चों की संख्या हजारों थी, इस बार 0.1 से रुकने वाले, 0.2 से रुकने वाले, आपके सामने जो खड़ा है ना ये बंदा बहुत हारा हुआ इंसान है, रियली बता रहा हूँ, बहुत हारा हुआ इंसान है, जिसे कहा जाता है समाज में सबसे गिरा हुआ, सबसे हारा हुआ इंसान ना, वह है आपके सामने खड़ा हुआ, सच बता रहा हूँ, कभी कहानी सुनाऊंगा अपनी, लेकिन यहाँ पे देखना। अब इसके बाद सेल्फ स्टडी आपको हमने बता दिया, और दूसरी चीज़ PYQ और एनालिसिस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिल जाएगा जाना, अभी तो नहीं, अभी पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लीजिए, करीब कम से कम 2 मंथ आपके लिए पर्याप्त होगा, अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स एक दिन में पढ़ने का प्रयास करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं मैथ और रीजनिंग में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, मैथ रीजनिंग GS GK, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह सब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे, अगर प्लेलिस्ट में सुपर टेट का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ लेंगे तो सच बता रहा हूं, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको 20 नंबर उसी जगह से मिलने वाला है, ठीक है ना। एनालिसिस अपनी चीज़ों पर करिए, जो चीज़ें आपकी गलत हो जा रही हैं उसको देखिए कहाँ गलत हो रहा है, उस टॉपिक को पकड़िए, लिखिए टॉपिक को, सामने रखिए, 2 से 3 दिन उस पर काम करिए, देखिए वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा, उससे भागोगे तो नहीं आएगा। ये चीज़ें थी जो हमने आपके सामने शेयर किया, अपने कुछ अनुभव और कुछ चीज़ें जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई हमारा बात अगर बुरा लगा हो भाई कोई चीज़ें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मेरे भाई सहयोगी हैं वह सहयोग करें, जो भाई विरोधी हैं तो विरोधों का मतलब कमी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर एक प्रगतिशील आदमी के पीछे विरोध का भी हाथ होता है और सहयोगियों का भी हाथ होता है, कहा जा सकता है विरोधी सामने नहीं आते हैं और सहयोगी सामने आकर सहयोग करते हैं। धन्यवाद।